हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? तो सुबह सुबह का टाइम है, हम किचन में आए हैं। जैसे कि आप सब भी जाते होंगे, ब्रेकफास्ट की तैयारी भी चल रही है, चाय की तैयारी भी चल रही है। तो आज हम दोनों पति पत्नी मिल पीने पियेंगे चाय। दो तो दोनों के लिए ग्लास है, एक एक। ये बहुत कम चाय पीते हैं, सर्दियों में तो फिर भी दो एक दिन में पी ही लेते हैं, एक दिन में एक आधी या कभी कभी एक भी नहीं। पर मैं तो भैया एक दिन में 3 से 4 चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों की चाय बन रही है, पर अलग अलग। ये शक्कर वाली चाय पीते हैं और मैं चीनी वाली, क्योंकि अभी शक्कर वाली की आदत नहीं पड़ी है ना तो इसलिए इनकी अलग मेरी अलग। तो मैं अपने में शक्कर चीनी डालना भूल गई, इसलिए वही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरा प्याज लिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। एक मोटे मोटे प्याज हो जाते हैं ना, वो पकने में दिक्कत करते हैं, ये बिल्कुल कोमल कोमल प्याज है। ये मैंने लेके रखा हुआ है, तो इसको मैं फटाफट से काट के ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इनको रात को अच्छे से धो धा के रख लिया था, क्योंकि भाई हरी सब्जी को 4 से 5 बार तो धोना ही पड़ता है, एक दो बार गर्म में, एक दो बार ठंडे में, तभी जाके वो थोड़ा साफ होती है। तो यहाँ पर मेरी फटाफट से चाय में कपों में डाल लूँ, तब जाके अपना आगे का काम शुरू करूँ। तो यहाँ पर फटाफट से चाय डाल लेते हैं। मैं तो सब्जी काटते काटते ही पी लूँगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सब्जी काटने में ही मस्त हो जाती हूँ या कुछ और काम में ही हो जाती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो जाती है, फिर से उसको गर्म करके फिर से पीनी पड़ती है। मोस्टली आप सबके साथ भी ऐसा ही कभी ना कभी होता ही होगा। तो यहाँ पर वो स्टील के गिलास में पीते हैं, मैं कप में पीती हूँ। उनको कप में ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बोलते हैं मुझे स्टील के ही गिलास में दिया करो, क्योंकि सर्दियों में ना कप में ठंडी हो जाती है जल्दी, तो स्टील के गिलास में थोड़ा टाइम लगता है ठंडा होने में, इसलिए उनको स्टील के गिलास में। लो आप भी चाय पी लो, जिसका मन कर रहा है चाय पीने का। तो चाय हम ले चुके हैं कप में, अब धीरे धीरे से जो कटिंग है, चॉपिंग है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आधा आधा प्याज कर लिया है। किसी किसी प्याज में ना बहुत बड़ा सा प्याज होता है आगे, मतलब कि जो वो ओवर पक चुका होता है, ओवर मीन्स बड़ा हो चुका होता है, तो वो वाला भी अच्छा ठीक ही लगता है, क्योंकि उसमें फिर प्याज प्याज ज़्यादा आता है ना, पत्ते पत्ते कम आते हैं, पर ये वाला भी ठीक है। और कोई कोई प्याज की सब्जी में आलू बना के डाल के भी बनाता है, क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है ना तो प्याज में एक आलू डालना ही पड़ता है, तो ताकि थोड़ा सब वो हो जाए। और हम तो खैर दो ही जने हैं, और बाकी ऐसा होता है मेरे प्याज की सब्जी कभी कभी रात तक भी बच जाती है, क्योंकि इनको इतना प्याज की सब्जी पसंद नहीं है। ये तो देखते ही कह रहे थे अरे यार मैं नहीं खाने वाला ये प्याज की सब्जी, मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक या दो बार तो बना ही लेती हूँ। बाकी दाल वाल भी बना लेते हैं दिन के टाइम पर, तो थोड़ा ठीक लगता है, जैसे रात को अगर बच भी जाए तो दाल के साथ अच्छा लगता है प्याज की सब्जी। तो यहाँ पर कोई कोई बड़ा भी पत्ता डल रहा है, कोई ज़्यादा बारीक भी कट रहा है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बिल्कुल बारीक 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 चॉप कर दूँगी। मुझे ऐसा चॉपिंग वो चक्कू ही दूसरे होते हैं जो बारीक 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 चॉप करते हैं ना शेफ, और उनको भाई ट्रेनिंग होती है, हमें हमारे को 10 काम और सूझ रहे होते हैं, अरे यार मशीन में कपड़े भी डालने हैं, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, इसलिए जैसे जैसे चॉप हो रहा है मैं वैसा वैसा कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए फिर भी काफ़ी सही चॉप कर लेती हूँ मैं हरी सब्जियों को। तो लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि हरी सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में जो टेस्ट आता है उनका, वो और वैसे नॉर्मली नहीं आता है। हाँ अगर कढ़ाई ना हो लोहे की तो भाई बनानी पड़ती है दूसरी कढ़ाइयों में, पर मेरे पास है तो इसी को ही मैं यूज़ करूँगी। और सरसों के तेल में झोंकूँगी, सरसों का तेल मैंने गर्म करने के रख दिया, और मैं आपको दिखा रही थी देखो ये किसे मैंने पूरा काट दिया और ये टोकरी में इतना आ गया। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को स्टोर किया हुआ है, डंडियाँ तोड़ तोड़ के एक एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है, ताकि 10-11 दिन मेरी ये मिर्चें चल जाएँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना पन्नी में रहती हैं तो फिर वो एक गली हुई हो तो उसके साथ साथ 2-4 फिर बहुत सारी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं। और जो अच्छी मिर्चें होती हैं जैसे ये वाली मिर्चें, ये अच्छी हैं, एक या दो डालो तो अच्छा टेस्ट आता है उनका, तो मैं नहीं चाहती कि वो वेस्ट हो, इसलिए मैंने इनको टाइम से ही लाने के 5-10 मिनट बाद अपना आराम से कर दिया है। जब भी यूज़ करनी हो तो धो धा के अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैंने तेल में जीरा, जखिया और वो अजवाइन वगैरह जो भी आप लोग डालते हो, मैं डालती हूँ जीरा, जखिया और थोड़ी सी मेथी होती है ना साबुत मेथी, वो डालती हूँ। बंद मैंने इंडक्शन इसलिए करा था क्योंकि जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर एकदम से मसाला डालो तो वो जल्दी जल जाता है, इसलिए मैं पहले इंडक्शन को बंद करती हूँ, उसको थोड़ा नॉर्मल होने देती हूँ तेल को, तब जाके डालती हूँ। और अब सीधा हरा प्याज डाला है, उसके ऊपर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बस और कुछ ज़्यादा नहीं। कोई कोई लोग टमाटर वगैरह भी डालते हैं, पर मैं ना लहसुन डालती हूँ इसमें, ना टमाटर डालती हूँ, ना ही वैसा वाला प्याज, क्योंकि इसमें खुद का ही इतना प्याज होता है
तो इसको मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखती हूँ, ताकि सिंपल चीज़ों में ना ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंपली तरीके से बनाई जाए तभी स्वाद आता है। जितना उसमें हम अपनी वो डालेंगे ना, दिमाग की वो डाल देंगे, मतलब दिमाग लगा के ज़्यादा ओवर मसाले डालेंगे, वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा फिर। तो इसलिए इसको हमने सिंपल सोबर रखा है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये जितनी भरी भरी दिख रही है ना, बनने के बाद आपको भी पता है ये पूरी भूस हो जाएगी, इसलिए नमक थोड़ा कम ही रखना पड़ता है ताकि इसके साइज़ पे अभी के साइज़ पे ना जाए। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल कम हो जाएगी ज़रा सी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हरी सब्ज़ी में, हम जब डाल रहे होते हैं कढ़ाई में उसी हिसाब से नमक डाल देते हैं, और जब वो बन जाती है वो ज़रा सी हो जाती है, नमक तेज़ हो जाता है। पर मैं ज़रा सा ही डालूंगी क्योंकि मुझे पता है ये बिल्कुल भूस हो जाएगी लास्ट में सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ढक के पका लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको नाश्ता बनाने के टाइम पे। और यहाँ पे सब्जी को छौंकने के बाद थोड़ा टाइम था, मनीष नहाने गए हुए थे, मैंने सोचा जब तक वो नहा के निकलेंगे 15-20 मिनट तो लगेंगे ही, तब तक मैं अपने और जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो कर लेती हूँ। मैंने ये वॉलपेपर मंगाया था, तो मैं इसको मंगाया मैंने किसी और चीज़ के लिए था, पर मेरे फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा वो धब्बे से लगे हुए थे, क्योंकि 8 साल हो गए भाई इसको, तो होता ही है सामान थोड़ा थोड़ा, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? हमने बेड की लकड़ी पर भी वॉलपेपर लगाया, और आज फ्रिज में काफ़ी दाग धब्बे लगे हुए थे जो साफ़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो यार वॉलपेपर लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने वॉलपेपर मंगाया है किसी और चीज़ के लिए, पर थोड़ा बच गया था तो मैं इस पर लगा के देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। अभी अगर गंदा लगा तो उतार दूंगी, पर यह है कि अच्छा ही लगेगा, गोल्डन कलर तो हर चीज़ में चलता ही है, तो इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। पर बहुत संयम से लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सहनशीलता से लगाना पड़ेगा, जो कि ये मुझे करने नहीं दे रहा है। ये बीच बीच में आके बस कुचुर 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 यही कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, मैंने कहा वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि वीडियो बनानी है। तो चलो फिर और काम कर लेते हैं। तो वैसे तो फ्रिज को ज़रूरत ना पड़ती वॉलपेपर लगाने की, पर वो मेरी गलती की वजह से मुझे अब उसको कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम क्वार्टर में गए थे ना, वहाँ पे मैंने ही जो थोड़ा बहुत वॉलपेपर बच गया था वो ज़बरदस्ती उस पर चिपका दिया फ्रिज पे, और फिर वो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि वो जरा जरा लगाया था, फिर मुझे फाड़ना पड़ा, और फाड़ने के बाद जो उसकी गोंद होती है ना वॉलपेपर की, उस पर चिपकी रह गई और वो साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो मैंने 2-4 बार ट्राई किया उसको अच्छे से क्लीन करने का, पर वो हुई नहीं। तो मैंने कहा चलो यार अब इसको ढकने के लिए मैं वॉलपेपर ही लगा देती हूँ, और क्या करूँ, मंगा भी रखा था थोड़ा भी गया था, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज सा लगेगा फ्रिज में। पूरे को मैं कवर नहीं करूँगी, बस फ्रंट के डोर पे उसको लगाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने वहीं पर कारिस्तानियाँ करी थी और वहीं पर ही बहुत ज़्यादा गोंद से चिपक गई है। तो यहाँ पर सारांश मेरी पूरी हेल्प करा रहा है, उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसे काम करवाने में, जो ये ऐसे होते हैं ना वॉलपेपर वाले। और वो पता क्या कर रहा था, क्यों बैठा हुआ था भाई, मम्मी जो इनके नीचे से वाइट कलर के पेपर निकलते हैं ना, वो उनको संभाल रहा था। कह रहा था मैं उनके एरोप्लेन बनाऊंगा, मैं उनको फटफट के एरोप्लेन बनाऊंगा, क्योंकि मैं उसको कॉपी वगैरह में से पेजेस फाड़ने नहीं देती हूँ, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर वॉलपेपर मैंने फ्रिज पे पूरा लगा दिया था, इसके मतलब इनको मैं नाश्ता दे दूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये नहा के आ चुके थे, 15-20 मिनट में मुझे पूरा फ्रिज कंप्लीट करने में टाइम लग गया था, बल्कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लग गए थे, तो मैं लेट हो रही थी। तो यहाँ पर मेरी प्याज की सब्जी भी पूरी बन चुकी है, और ये रात की आलू गोभी की सब्जी बची हुई थी तो मैंने वो भी गर्म कर दी। मुझे पता था उन्होंने खानी तो है नहीं, क्योंकि वो रात की सब्जी बहुत कम होता है कि सुबह खा लेते हैं, तो फिर भी मैंने गर्म कर दी क्योंकि मैं और सारांश खा लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी भाई, बिल्कुल खड़ी सब्जी होती है आलू गोभी की, मुझे बहुत पसंद होती है, मोस्टली मेरी सब्जी ऐसी बनती है ये खड़ी सी। तो मैंने इसको भी गर्म कर लिया है, इनके लिए रोटी बना रही हूँ, घी भी लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में घी वगैरह अच्छा लगता है रोटी में लगा के खाना। और ये मेरी प्याज की सब्जी जो मैंने उस टाइम पे दिखाई थी ना, जो पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, अब वो इतनी ईजी हो चुकी है। तो फटाफट से इनके लिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ, और यहाँ पर मैंने शेयर करी है अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन, आई होप आप सबको पसंद आई हो। वैसे तो ऑलमोस्ट आप सभी की भी ऐसी होती होगी, पर एक ये होता है ना कि हम व्लॉग शेयर कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपनी रूटीन्स वगैरह भी शेयर करना अच्छा लगता है। तो ये देखो नाश्ता हमारा तैयार है, आपको भी भूख लगी है तो आप भी खा लेना। तो ये कुछ ऐसा फ्रिज अब लग रहा है। वैसे तो मुझे प्रॉपर तरीके से लगाना नहीं आया, पर फिर भी मैंने अपने बेस्ट तरीके से लगाया है। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा ब्रेकफास्ट व्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।